बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लाम को अपना स्टेट रिलीजन मानते हैं। आपको उनकी चिंता इतनी क्यों है कि उसकी वजह से कहा जा रहा है आप देश में भय के फरिश्ते इस वक्त बन गए? देश में तो मैं देश जो मुझे बनाया गया है शुक्रिया अदा करता हूं आप लोगों का भी। रहा सवाल, आपने उनसे सवाल किया, ये चले गए आधार, जन जन धन, क्या क्या। सवाल ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, आप कानून बना सकते हैं, आप फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकते जो इन्होंने किया है। दूसरी बात यह है कि इक्वालिटी और मजहब का जहां पर तसादुम होगा वहां पर इक्वालिटी प्रिवेल करेगा। और तीसरी बात यह है कि मैं इनसे जानना चाह रहा हूं कि जो जामे मिलिया में कल हुआ, सर वो अच्छा हुआ? आप तो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, उसका तो माइनॉरिटी कैरेक्टर है। क्या पुलिस ने अंदर घुसकर लाइब्रेरी में टियर गैस फेंका, टॉयलेट में बच्चों को मारा, बच्चों के हॉस्टल में मारा? यकीनन मैं वायलेंस को कंडेम करता हूं, मगर आप एक माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं और आपकी तरफ से एक बयान भी नहीं आता सर। मुझे मुकम्मल करने दीजिए सर। चौथी बात मैं आप इनसे पूछ लीजिए, जो आसाम में 5,40,000 जो बंगाली हिंदू हैं, क्या इनको फायदा नहीं पहुंचेगा सीएबी से? और जो 5,00,000 मुसलमान जिनको आसाम के एनआरसी में छोड़ा गया, सेक्शन 6 इस एक्ट में कहता है कि उनके खिलाफ जो केसेस चलेंगे वो अबेट हो जाएंगे। और केस किस पर चलेगा? नॉन मुस्लिम्स पर, मुस्लिम्स पर चलेगा केस? जो हिंदू बंगाली है उन पर तो आप सिटीजनशिप दे देंगे। यही तो हम कह रहे हैं कि ये वॉयलेशन है फंडामेंटल राइट का। मजहब की बुनियाद पर आप कानून बनाकर मोहम्मद अली जिना की रूह को खुशी पहुंचा रहे हैं। मुझे इस बात मुझे आप यकीनन जो हिंदू, सिख, ईसाई जो आए हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, भारत यूनाइटेड नेशन की नॉन रिफोलमेंट प्रिंसिपल को मानता है। रेफ्यूजी और सिटीजनशिप में जमीन आसमान का फर्क है, और आप मजहब की बुनियाद पर कर रहे हैं, ये वॉयलेशन है आर्टिकल 21 का, 25 का और 14 का। कौन कह रहा है आपको? उनको दीजिए ना लॉन्ग टर्म वीजा दीजिए। अच्छा एक बात उनसे और एक पूछ लीजिए, एक आखिरी बात, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में क्या कहा था आईबी ने? और मेरे सवाल पर सरकार कहती है कि हमारे मुल्क में 1,26,000 फॉरेनर्स हैं। आपकी सरकार ने 6 साल में कितनों को डिपोर्ट किया? 6 को, सिर्फ 6 को डिपोर्ट किया आपने। मजहब की बुनियाद पर तो आप कानून बना रहे हैं। ठीक है, आप इसको एनआरसी से जोड़ रहे हैं, मैं इस पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले जामिया